और आप देख रहे हो निकू व्लॉग्स। तो गाइस फाइनली बहादुरगढ़ आ गया है। अभी मैं मानस को छोड़ने आया हूँ मेट्रो स्टेशन पे। मानस घर पे जा रहा है। बाय भाई, दोबारा मिलते हैं, ठीक है। मैं बरेली आऊंगा। हॉन्टेड चर्च के अंदर जाएंगे इस बार। हॉन्टेड चर्च के अंदर जाएगा गाइस? मानस कह रहा है भाई इस बार हॉन्टेड चर्च के अंदर जाएंगे। भाई साहब क्या बात कर रहे बाबा। वैसे तो वो चर्च बंद रहता है, सैटरडे और संडे को खुलता है, सिर्फ फादर आते हैं चर्च के। डन, ठीक है। तो गाइस फिलहाल मैं घर पे आ गया हूँ। गाड़ी ना भाई पूरी गंदी हो रखी थी, डेजर्ट में से आई थी ना, हर जगह मिट्टी घुस गई थी। अभी मैं गाड़ी को सर्विस स्टेशन छोड़ के आया हूँ, शाम को मिलेगी। ये देखो गाइस सारी सफाई कर दी है, पुट्टी होने लग रही है दीवारों पे। गाइस ये ना भाई बार काउंटर बन रहा है, यहाँ पे मस्त बैठ के खाना खा सकते हैं, यहाँ पे लाइट्स वगैरह आएगी, मस्त लगेगा। और गाइस ये देखो भाई यहाँ पे ना शटर बनवाया हमने। किचन में से कुछ खाना वाना लेना होगा ना तो यहीं से ले लेंगे, मम्मी यहीं से खाना भेज देगी। गाइस ये किचन भी रेडी हो गई है, यहाँ पे सब कुछ बन गया। गाइस ये रूम भी रेडी हो गया है, बस पेंट वगैरह रह गया। पेंट होने के बाद ना भाई शॉपिंग करने जाएंगे गेमिंग सेटअप की। सारी चीज दिखाऊंगा भाई क्या क्या लेके आएंगे गेमिंग सेटअप में। और गाइस ये देखो भाई जो जैसे कल हम आए थे ना, ये ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और कल मेरे साथ ही सोया पूरी रात। जब भी खाली होता ना, जब भी गेट में आके बैठता रुकती बाकी आगे देखता। गाइस पापा बता रहे एक हफ्ता ना गेट पे बैठा रहता था, मतलब रात रात को मम्मी पकड़ के लाती थी इसको और मेरा वेट करता था ये कब आएंगे कब आएंगे। आजा नीचे चलेंगे, बैठ जाओ बैठ जाओ। तूने हमको मिस किया बहुत ज्यादा। गाइस जोजो ने हमको बहुत ज्यादा मिस किया। जोजो क्यों मिस करता है जोजो? तो गाइस अभी मैं खा रहा हूँ खाना। आज खाने में चाप की सब्जी, दही और रोटी। एक हफ्ते बाद मैं घर का खाना खा रहा हूँ, जल्दी से खाना खाते हैं। देखो भाई अपनी गैंग वाले भाई ना मेरे पीछे से गिफ्ट देके गए थे, ये नैना वर्मा और हार्दिक वर्मा ने दिया है। गाइस अभी गिफ्ट खोल रहे हैं। इसमें ना भाई परफ्यूम निकला है। वैसे गाइस मेरे को ना भाई परफ्यूम कलेक्ट करने का बहुत ज्यादा शौक है, तो ये परफ्यूम मेरी कलेक्शन में ऐड हो जाएगा। एक हफ्ता हो गया भाई ड्यूक ड्रैगन और पैंथर से नहीं मिला मैं, तो गाइस अभी मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। हाँ कल मोगली। गाइस मेरे आते ही आ जाता है, ये मुझसे बात कर रहा है। क्यों रो रहा है? गाइस ये ना भाई मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ इसलिए रो रहा है। चीकी गाइस ये देखो भाई इसका तो यही काम है, घर पे आते ही लटकने लग गई है, स्पाइडरमैन बन रही है ये। चीनू तो सो रहा है, सोने की एक्टिंग कर रहा है। मैं समझ गया था कि तू सोने की एक्टिंग कर रहा है। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला। गाइस आशु भी आ गया है। हेलो बब्बे कैसे हो? गाइस अभी ड्यूक से मिल रहे हैं। और ड्यूक आ गया, ड्यूक। अच्छा भाई गाइस कालू मोगली भी आ गया है। कालू मोगली को परेशान कर दिया बच्चों ने मिलके, मिट्टी डाल रहे हैं उसके ऊपर। नहीं रहने दे भाई। ओ भाई ड्यूक तो भाई बहुत खतरनाक हो गया। गाइस ड्यूक के ना भाई बहुत तगड़ी वाली डाइट चल रही है दिन पे दिन, इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। चाचा को पूरा खींच रहा है ये भाई। भाई साहब ओ भाई ये देखो गाइस ये क्या करने लग रहे दोनों मिलके, मिट्टी में नहीं खेलते, ठीक है नहीं खेलते। तो गाइस ड्रैगन भी आ गया है, आशु का बेटा लेके आ रहा है ड्रैगन को। अरे ड्रैगन आजा, अरे ड्रैगन आजा। ओ भाई खींच दिया। ओ भाई ड्रैगन खेल रहा है कालू मोगली के साथ में। क्या हुआ चोट लग गई आपको? आपने पकड़ा क्यों फिर ये? अरे यार अपना ड्रैगन भी खींचने लग गया, इसको पूरा खींच दिया रुला दिया इसको। ओ भाई वो ड्रैगन आ गया। अरे यार ये पकड़ता क्यों बार बार आशु? इतनी तेज क्यों पकड़ते हो आप? गाइस के चोट लग गई भाई बहुत ज्यादा। वो पैंथर भी आ गया गाइस। भाई साहब ये कैसा हो गया भाई? बहुत बड़ा हो गया यार ये तो। गाइस ये ना भाई वीडियो में बच्चा लगता है पर रियल लाइफ में ना भाई बहुत बड़ा हो गया ये, ड्यूक जितना हो गया। ओ भाई ये क्या हुआ, कैसे खेल रहा भाई आशु के साथ? गाइस फिलहाल ड्यूक और पैंथर आमने सामने है, दोनों बराबर हो चुके हैं। मेरे को ना गाइस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे आपस में लड़ते हुए, पहले पैंथर भोकता है तब जाके ड्यूक काटता है। गाइस ये देखो भाई ड्यूक अभी भी नहीं भोक रहा, पैंथर को मौका मिलते ही काटने लग जाता है। गाइस ये ना भाई बिल्कुल साइलेंट किलर है, जब इसको मौका मिलता है ना किसी को काटने का ये चुपचाप जाके काट देता है। मेरे को ना भाई बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे लड़ाई करते हुए, कल ना इनकी दोस्ती करवा देंगे। ड्यूक और पैंथर की ना फ्रेंडशिप करवा देंगे, जंगल का चक्कर कटवा के लाएंगे डिक साथ, और ये देखेंगे भाई दोनों एक साथ चलते हुए कैसे लगते हैं, ताकि जब पैंथर बड़ा होगा ना ड्यूक से भी तब ये दोनों ना भाई साथ साथ चला करेंगे, कोई भी इनके सामने कुछ भी नहीं बोलेगा। इधर कितनी अच्छी केयर कर रहा है कुत्तों की। गाइस हम कहीं भी चले जाते हैं बेफिक्र होके, आशु ना भाई पीछे से कुत्तों की अच्छी केयर करता है। अभी भी ये बाहर आराम से शाम को बैठे हैं मस्ती कर रहे हैं। तो गाइस अभी ना भाई ड्यूक और ड्रैगन को ना एक ही पट्टे में बांध दिया है एक दूसरे के साथ, ये देखते हैं भाई अब क्या होगा। चलो भाई मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। ओ बाबा किसको पकड़ के लाओ, उठा ले रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे इन दोनों को उठा भागे और लेके उनको लागी होगी जब हसमत दोनों पट्टा के बीच में आ गया। यो भाई साहब बुरा सीन हो गया, अंधेरी आ गई थी, अंधेरी आ गई थी, साफ करो भाई।
गाइस अभी ना भाई बहुत खतरनाक सीन हो गया था, हमने सोचा कुछ अलग होगा, ये आशु बीच में आ गए, इसको गिरा के चले गए। इन दोनों ने कमाल कर दिया, जो इनके साथ डेली रहता है उसी को ही गिरा दिया। अभी दोबारा से ट्राई कर रहे हैं, कोई बीच में बता देना, साइड में खड़े हो जाओ सारे। गाइस ये तो हमने सोचा ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है। कम ऑन भाई साहब, मैं आ गया था बीच में। गाइस वो तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ इसलिए मैंने रोक लिया। छोड़ दे छोड़ दे, ओ भाई ओ काम आगे काम आगे, कम ऑन ड्यू कम ऑन कम ऑन, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई। गाइस कोई इसके बीच में ना आए बस। अभी ना भाई पैंथर और ड्रैगन के साथ करते हैं चीज, देखते हैं उनके साथ कैसा होगा। इन दोनों को तो बांध दिया है, अब देखते हैं गाइस ये कैसे खेलेंगे। तो गाइस अभी पूरे 5 बज गए हैं और हमारी स्कॉर्पियो एन पूरी साफ होकर रेडी हो गई है, तो अभी उसी को लेने जा रहे हैं। गाइस पूरी गाड़ी क्लीन हो गई है और मस्त लग रही है, मतलब ये पता भी नहीं चल रहा कि रेगिस्तान में लेके गए थे इसको। ये देखो गाइस पूरी नहीं होगी, अंदर से भाई पूरी मिट्टी मिट्टी भर गई थी, ऐसा लग रहा है बस शोरूम से निकलवा के लाई। तो गाइस हमारी गैंग वाले भाई मिलने आए हमसे, और गाइस अभी मैं जोजो के सामने लेजर लाइट चलाऊंगा। ओ भाई लेजर लाइट को देख के ना भाई ये भाग रहा है उसके पीछे। ओ भाई अरे भाई 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 गाइस देखो भाई अभी भी ढूंढने लग रहा है ये भाई साहब। ड्यूक के साथ भी करेंगे ये चीज, लेजर लाइट दिखाएंगे ड्यूक को और देखते हैं वो क्या रिएक्ट करेगा। कहाँ गई जोजो, जोजो कहाँ है? तो गाइस अभी मैं जिम जा रहा हूँ, जब से मेरा पैर टूटा था ना तब के बाद से ना अब तक रेगुलर जिम नहीं गया मैं। चीनू ना भाई साथ में खड़ा खड़ा मजे ले रहा था मेरे, मैं एक्सरसाइज कर रहा था ये मजे ले रहा था, चीनू भाई मेरे को हंसाने की कोशिश कर रहा था। स्कॉर्पियो एन घर के सामने खड़ी कर दी है, अपनी शॉटगन पे चलते हैं चीनू को छोड़ने। कल मोगली आ गया तू? रो मत रो मत भाई रो मत। घर पे आते ही चीनू दूध पी रहा है, ओरियो के बिस्कुट खा रहा है साथ में। ये क्या कर दिया? ओ भाई क्रीम क्रीम निकाल ली इसने बीच की। भाई साहब ओ भाई क्रीम क्रीम खा रहा है, ये सही है। अभी इनका क्या करेगा? गाइस निकाल निकाल के खा रहा है क्रीम। शाबाश बेटा, चीकी की बिस्कुट है। गाइस ये देखो भाई ये क्या हेरा फेरी कर रहा है, चीकी के दोनों बिस्किट के पैकेट उठा लिए, क्रीम क्रीम निकाल के खा गया। ये देखो कहाँ जा रहा है। ओ भाई साहब चीकी खा लेगी ना बिना क्रीम वाली बिस्कुट। कितना चालू है तू, किसी को क्या ही पता चलेगा है ना। गाइस लाल चाची और चीकी तो सो गई है। भाई साहब ओ भाई ये क्या कर दिया। गाइस ये देखो भाई कोलगेट लगा दी इसने बिस्किट के अंदर और ये बन गया ओरियो का बिस्किट। टूथपेस्ट लगा लगा के रख रहा है, पूरा का पूरा बिस्किट लग रहा है ये। अभी कोई इसको खाएगा ना तो थूक देगा, बस ये डर है कभी चाची ना किसी मेहमान को ना खिला दे ये सब, बेइज्जती हो जाएगी फिर तो। हम कह देंगे ना नया फ्लेवर है, नया फ्लेवर है ये कह दोगे। बड़ा हरामी हो बेटा। कैसा है भाई? बाय भैया। तो गाइस फिलहाल मैं आ गया हूँ घर पे, अभी फाइल्स कॉपी हो रही है। और गाइस राजस्थान की ट्रिप से कल 11 बजे रात को घर पे आए थे, राजस्थान घूम के ना भाई बहुत ज्यादा मजा आ गया। मतलब गाइस वहाँ के व्यू इतने ज्यादा सुंदर लग रहे थे ना, सब कुछ ओपन ओपन था, बिल्कुल खुला खुला डेजर्ट, पहाड़, विंडमिल, अलग ही लेवल की फीलिंग आ रही थी। दिन में गर्मी और रात को उतनी ज्यादा ठंड, वो चीज भी बहुत ज्यादा मस्त लगी। बाकी अभी 11:40 हो रहे हैं और फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल है निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय। Take care.